हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी इट इज। कोविड से रिलेटेड न्यूज़ सुनने में हम कहीं इतना ज़्यादा बिजी तो नहीं हो गए हैं कि हम भूल रहे हैं कि हमें पढ़ना भी है, क्योंकि ये कोविड वाली चीज़ एक फेज है और अगर हम इस फेज में घबराएंगे तो कहीं ना कहीं हम ये भूलते चले जाएंगे कि जैसे ही ये फेज खत्म होगा उसके डायरेक्ट बाद एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, चाहे वो आपके नीट के एग्जाम हो, आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम अटके हुए हैं, पोस्टपोन के चक्कर में लटके हुए हैं, वो शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोविड से रिलेटेड आप न्यूज़ मत सुनो, लेकिन जब तक वो न्यूज़ आपके लिए अपडेट का काम कर रही है सिर्फ तब तक ही उसको सुनो। जैसे ही आपको लग रहा है कि ज़्यादा न्यूज़ सुनने से व्हाट्सएप पर जितनी भी वीडियो शेयर हो रही है वो देखने से आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, प्लीज़ उस चीज़ को वहीं पर ही रोक दो, क्योंकि इस दौरान आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पर अगर असर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर आप अपनी तबीयत खराब करोगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 8 इजी सिंपल स्टार्टिंग टिप्स बताने वाली हूँ कि घर पर बैठकर अभी कोविड की वजह से जो नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है उसको थोड़े टाइम के लिए साइड रखते हुए कैसे आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोविड वाला फेज जैसे ही चला जाएगा वापस से आपकी पढ़ाई बैक ऑन ट्रैक हो जाएगी, एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर तब घबराओगे जब एग्जाम शुरू हो जाओगे और पता ही नहीं चलेगा कि कहां से शुरुआत करें। ठीक है, तो स्टार्टिंग टिप्स पे आते हैं। सबसे पहली चीज, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। भले ही आपकी स्टडी टिप का पार्ट ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, और इस वक्त पर अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो तो सबसे पहले स्टेप में ही आप अपनी पढ़ाई के लिए ढिलाई कर चुके हो। क्योंकि बुखार होगा, जुखाम होगा, कुछ भी छोटी मोटी दिक्कत ही अगर आ रही है, आपके रूटीन डगमगाएगा। रूटीन डगमगाएगा तो जो डेली टारगेट आपने अपने पढ़ाई के रखे होंगे वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ना सिर्फ अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान भी रखो। उन सारी न्यूज़ को मत सुनो जिसकी वजह से आप मेंटली और इमोशनली वीक फील कर रहे हो। अच्छा, काफ़ी बच्चे जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं, क्योंकि CBSE क्लास 10th और ICSE क्लास 10th के तो बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल ही हो चुके हैं, और स्टेट बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा स्टेट बोर्ड वालों ने अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन कर रखे हैं, तो बच्चे आधे तो अपनी मेंटल हेल्थ ये सोच सोच कर फ्रस्ट्रेट होकर खराब कर रहे हैं कि यार मैंने अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा था, हो जाते बोर्ड एग्जाम्स तो क्या चला जाता, मेरी मेहनत बर्बाद चली गई। देखो, 10th का पढ़ावा कहीं भी बर्बाद नहीं जाएगा, आपके 11th 12th की प्रिपरेशन में वो बेस का काम करेगा। और फिर भी अगर आपको बहुत खुंदस है यार कि मैंने 10th के लिए बहुत पढ़ाई करी थी, क्यों नहीं वे बोर्ड एग्जाम, तो एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूं। अनअकैडमी पर वर्चुअल बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। फर्स्ट में से हर अल्टरनेट डे 4 सब्जेक्ट्स के आपके एग्जाम होंगे। इस हर सब्जेक्ट वाइज पेपर में आप लोगों को 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दिन में 1 से 2 बजे के बीच आपका पेपर होने वाला है, एकदम फ्री है। सबसे अच्छी चीज तो यह है कि इन वर्चुअल बोर्ड एग्जाम्स में अपियर होने के लिए आपको कोई फी पे नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू एंटर द कोड बायोलॉजी एट ईज। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, बायोलॉजी एट ईज कोड यूज करो और इन वर्चुअल बोर्ड एग्जाम्स में खुद को एनरोल कराओ। जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम ओवर होगा, किसी भी सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम जैसे 1 घंटे बाद खत्म हुआ, उसके ठीक 5 मिनट बाद अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर उस पेपर का आपको एनालिसिस बताएंगे। दूसरी चीज ये कि जब चारों सब्जेक्ट के पेपर आपके हो जाएंगे उसके बाद आपके ओवरऑल स्कोर के बेसिस पर जो टॉप 5 रैंकर्स होंगे उन्हें अनअकैडमी का 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलेगा। जो रैंक 6 से 10 तक के बच्चे होंगे उन्हें अनअकैडमी का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मैंने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ इंग्लिश पढ़ी थी या फिर सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ी थी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे, तो किसी एक टेस्ट में भी अगर आप अपियर हो रहे हो तो आपको पार्टिसिपेशन का ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बायोलॉजी आईटी कोड यूज करो। फर्स्ट में से 7 मई के बीच ऑल्टरनेट डे जो आपका इस सब्जेक्ट वाइज बोर्ड एग्जाम हो रहा है उसे दो। टॉप रैंकर्स में आते हो तो सब्सक्रिप्शन तो फ्री मिल ही रहा है, तो ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, तो अपनी सेहत का ध्यान दो, जितना हो सके खुद को इस दौरान खुश रखो, मोटिवेटेड रहो, क्योंकि आप अगर हेल्दी नहीं रहोगे तो आपके आसपास के लोग आपकी नेगेटिविटी की वजह से अफेक्ट होंगे। तो इस टाइम पर अपना और अपने घर के एनवायरनमेंट को आपको अच्छा रखना है। नेक्स्ट चीज, डेडिकेटेड स्टडी स्पेस बनाओ बेटा। जिस बेड पर आप सो रहे हो वहां पर सोचो ना कितनी लेजी वाली सोने वाली वाइब्स होंगी, और उन वाइब्स में तुम पढ़ने की सोच रहे हो तो कैसे तुम एक्टिव फील करोगे। भाई पहले तो बेड में पढ़ना छोड़ दो, और बेड में पढ़ना ही है तो बेड के उस कॉर्नर पर बैठो जहां पर तुम सोया नहीं करते हो, जहां पर सर रखकर सोया करते हो वहीं पर ही मत बैठकर पढ़ो, क्योंकि वहां पर तो लेजी वाली वाइब्स फैली हुई हैं। कोशिश करो पहले तो टेबल चेयर यूज करो पढ़ने के लिए। टेबल चेयर पर नहीं पढ़ा जाता है तो रूम में ही कोई कुशन लगा के फ्लोर पर बैठकर पढ़ लो। बेड में पढ़ना है तो डिफरेंट पोजीशन चूज करो, जहां पर तुम सोते हो वहां पर तुम नहीं पढ़ोगे। एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस बनाओ जहां पर तुमको लगता है कि तुम फुल एक्टिव फील करते हुए फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो।
नेक्स्ट चीज डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करना है। इस टाइम पर सब घर पर ही है, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग घर पर ही है, अब ऐसा लग रहा है इतनी भीड़ भाड़ में कैसे मैं पढ़ाई करूंगा। तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के 3 तरीके हैं। पहले तो उस वक्त पर पढ़ो जब आपको लग रहा है कि आपके घर के सारे लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। दूसरा अर्ली मॉर्निंग पढ़ो और तीसरा लेट नाइट पढ़ो। नेक्स्ट चीज आती है कि भाई कई बार ऐसा हो रहा है कि पढ़ने तो बैठ रहा हूं लेकिन वो फिर कोविड की न्यूज सुनाई दे रही है, व्हाट्सएप पर कोई ना कोई वीडियो शेयर हो जा रही है या फिर किसी रिलेटिव की कॉल आ रही है तो वो भी बस कोविड से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। उस पर क्या करना है? जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो उस टाइम के लिए अपना फोन साइलेंट पे कर दो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, खुद को मिनी चैलेंज दो कि अभी का जो मैंने 1 घंटे का टारगेट रखा है कि सपोज मुझे बायोलॉजी के 2 पेजेस पढ़ने ही पढ़ने हैं तो जब तक वो 2 पन्ने खत्म नहीं होंगे तब तक मैं कोई भी नोटिफिकेशन क्लियर नहीं करूंगा, किसी के भी व्हाट्सएप चैट का रिप्लाई नहीं करूंगा। अपने आप को मिनी चैलेंज दो कि मेरा टारगेट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं सोशल मीडिया को छूंगा भी नहीं। जैसे ही वो मिनी चैलेंज पूरा हो जाता है फिर अपने आप को रिवॉर्ड दो, फोन यूज कर लो। तो खुद को हर दिन मिनी चैलेंज दो पढ़ने के लिए और जैसे ही मिनी चैलेंज अचीव कर लेते हो खुद को रिवॉर्ड दो। अब रिवॉर्ड के तौर पर खुद को ब्रेक टाइम देना है, मोबाइल फोन यूज करना है, मूवी देखनी है, जो करना है वो करो, लेकिन मिनी चैलेंज के बाद ही आप खुद को रिवॉर्ड दोगे। नेक्स्ट चीज स्टे ऑर्गेनाइज्ड। अभी तक अगर आपके स्कूल चल रहे होते, चाहे आप क्लास 9th, 10th, 11th, 12th या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट हो, अगर आपकी कोचिंग चल रही होती तो भी तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना था, कोचिंग क्लासेस भी अटेंड करनी थी। तो इस टाइम पर आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि यार आराम से 9-10 बजे उठा जाए, इसके बाद तो जब कोविड खत्म हो जाएगा फिर मुझे स्कूल के लिए जल्दी उठना ही होगा। अभी भी क्यों नहीं जल्दी उठ सकते हो? जब स्कूल होता था तब भी तो 9 बजे के लिए स्कूल पहुंचना होता था, तभी भी तो सुबह 6:30 तक तो उठ जाते थे, तो अभी क्यों नहीं उठ सकते हो? उठो भाई, पढ़ना तुम्हें तुम्हारे लिए ही है। तो स्टे ऑर्गेनाइज्ड, उसी तरीके से एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करो जिस तरीके से आप तब किया करते थे जब आपके स्कूल चलते थे या फिर आपकी कोचिंग क्लासेस चल रही होती थी। इस टाइम पर आपके पास वक्त ही वक्त है, अभी घर वाले आपको कोई सामान लेने के लिए बाहर भी नहीं भेज रहे होंगे, आपको ऑफलाइन ट्यूशन जाने के लिए किसी ट्यूशन टीचर के घर भी नहीं जाना पड़ रहा है, स्कूल जाने में टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा है, घर पे ही असाइनमेंट प्रैक्टिकल वर्क होमवर्क क्लासेस हर चीज घर पर ही हो रही है, तो टाइम ही टाइम है। तो इस टाइम का परफेक्ट यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करो जो आपको ये हर दिन के 24 घंटे बहुत फ्री फ्री में मिल रहे हैं, उनको यूटिलाइज करो, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, हर दिन टारगेट रखते हुए पढ़ो। हमेशा हर स्टडी प्लान वीडियो में कहती हूँ कि हर दिन शुरू होने से पहले आपके पास अपना टारगेट चार्ट होना चाहिए कि आज मुझे हर सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे वाले बच्चे खुद से ही अपना डेली का टारगेट रखो और उसे अचीव करो। जिनकी कोचिंग या स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उन्हें कोचिंग या स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसका रिविजन करो, वही आपका डेली टारगेट होगा। नेक्स्ट चीज स्टे इन टच। इस टाइम अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से बात करो, और बात कर रहे हो तो कोविड से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज मत फैलाओ, हर किसी का हौसला बढ़ाओ कि ये एक सिर्फ एक फेज है, ये बीत जाएगा, इस फेज में हमें स्ट्रांग रहना है। आपके घर में आपकी दादी नाना इन सब इस टाइम पर उनको भी आपकी जरूरत है, उन सभी से बात करो, स्टे इन टच विद एवरीवन। नेक्स्ट चीज वर्क ऑन योर स्टडी स्किल्स। फ्री हो ना इस टाइम, घर पर ही हो ना, स्कूल तो जा नहीं रहे हो, कोचिंग अटेंड कर नहीं रहे हो, ट्यूशंस भी जा नहीं रहे हो, घर पर ही फ्री हो, हैंडराइटिंग सुधार लो अपनी, नोट्स बनाने के लिए पहले आपकी कंप्लेन रहती थी कि नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है, नोट्स बना दो घर पर बैठकर। अपनी स्टडी स्किल्स को इस टाइम जितना इंप्रूव कर सकते हो करो। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, इंग्लिश इंप्रूव करो यार, जितना हो सके रीडिंग हैबिट डेवलप करो, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करो। तो अपनी स्टडी स्किल्स को इंप्रूव करो, घर पर फ्री बैठे हो तो उन चीजों में वक्त जाया मत करो जो कि आपके फ्यूचर में कहीं भी काम नहीं आने वाले हैं, उन चीजों में टाइम लगाओ जो कि आपके फ्यूचर को अच्छा बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। लास्ट चीज स्टे मोटिवेटेड बेटा। अगर एग्जाम प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपका एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। तो जितना हो सके टाइम टू टाइम खुद को मोटिवेट करते रहो, खुद को पुश करते रहो कि यार मुझे पढ़ना है, ये वक्त बीत जाएगा। देखो हमेशा वक्त चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए, वक्त की एक खासियत है कि वो एक टाइम पर चला जाता है। तो जिससे पहले ये प्रेजेंट वाला वक्त एक बीता हुआ वक्त बन जाए, कोशिश करो कि अपनी स्टडी स्किल्स पर वर्क कर सको, पढ़ाई में जो जो कमियां लगती है उन्हें इंप्रूव कर सको, अपनी सेहत का ध्यान रख सको। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है घर पर बैठकर अपने इंप्रूवमेंट पर काम करने की, उसका फायदा उठाओ, ठीक है? और जितना हो सके नेगेटिविटी से दूर रहो, बेवजह घर से बाहर मत निकलो, घर से बाहर किसी काम से निकल भी रहे हो तो डबल मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, अपने रिलेटिव से दोस्तों से फोन पर बात कर रहे हो तो नेगेटिविटी मत स्प्रेड करो, उनको भी अपने अच्छे थॉट्स से अच्छा फील करवाओ और खुद भी अच्छा फील करो। आप इमोशनली मेंटली स्ट्रांग रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी हैप्पी वाइब्स आपकी फैमिली में भी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो खूब अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।